अजाब गजाब घर जमाई। आप चिंता ना करो, देखो परिवार से घर है, घर से परिवार नहीं। आप तो बस ये आशीर्वाद दो कि हमारा परिवार बना रहे, घर तो हम बना लेंगे। राधे राधे। ये 50 लाख का चेक है, बाकी के पैसे मैं एक दो दिन में दे दूंगा। जी जी बड़े लाल, इनको पूरा घर दिखा दो। अरे बड़े लाल, सुना नहीं हमने क्या कहा? जाओ इनको घर दिखाओ, ये दिखाएगा आपको पूरा घर, अच्छी तरह से देख लो। मुंह क्यों लटका रखा है? जाओ पैकिंग वैकिंग शुरू कर दो, एक दो दिन में घर खाली करना पड़ेगा हमें। चलो। नानी जी की जय हो। नानी जी, आप सबको ना एक बहुत जरूरी बात बतानी है। यहाँ पर ना लैंड माफिया का बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आप कौन से फ्रॉड के बारे में बताएंगे साढ़ू भाई? मैंने तो सुबह ही बता दिया था जो पेपर में छपा था। अरे साढ़ू भाई, वो तो फ्रॉड कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा फ्रॉड तो मैं बताऊंगा आप सबको। नानी जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपको किसी का फोन आया था या कोई ऑफर आया था हमारी दुकान खरीदने का? हाँ। लक्ष्मी बिल्डर्स ने किया था क्या फोन? हाँ हाँ, उन्होंने ही किया था। तुमको कैसे पता? क्योंकि नानी जी, उसी लक्ष्मी बिल्डर ने ना और 200 लोगों को फोन किया, ऑफर दिया उनको उनकी जमीन खरीदने का, वो भी चौथाई दाम में। जैसे ही मुझे ये बात पता चली ना नानी जी, मेरा माथा ठनक गया कि कोई ना कोई चक्कर तो है। ये बिल्डर इतनी सारी जमीन जो कि एग्रीकल्चर लैंड है वो खरीद कर करेगा क्या? नानी जी, फिर मैंने और पता किया तो मुझे पता चला कि वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं। फिर वो खबर? अरे वो खबर तो कोरी साजिश है नाना जी। दरअसल हुआ ये नानी जी कि वो जो लक्ष्मी बिल्डर है ना, उसने क्या किया, एक सरकारी अफसर को अपने साथ मिला लिया और सारी धांधलेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने बिछाया ये जाल, और जिस आदमी ने वो केस किया था ना इनके ऊपर, वो दरअसल लक्ष्मी बिल्डर का दूर का रिश्तेदार है नानी जी। ये इन तीनों की साजिश है। ओ नानी जी, इतनी देर से वही तो समझा रहा हूँ आप सब लोगों को, हमारी दुकान बिल्कुल सुरक्षित है। और वो जो बैंक वालों ने हमारा बैंक अकाउंट सीज किया था ना, वो भी चालू हो गया है। अरे बाके बिहारी का लाख लाख शुक्र है। हमको तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कोई किसी की जीवन भर की कमाई के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, उन तीनों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार भी कर लिया होगा और कल सुबह के अखबार की पहली खबर होगी। चिंटू बेटा, काश तुम 5 मिनट पहले आ जाते और ये खबर दे देते। हमने अभी अभी इस घर का सौदा कर दिया है। नानी जी की जय हो। ये क्या कर दिया नानी जी आपने? कम से कम शाम तक रुक जाती, मेरे से बातचीत कर लेती आप। माफ कीजिए जगदम्बा जी, मैं अपना टोकन वापस चाहता हूँ। आपको शायद बुरा लगेगा लेकिन आपका घर ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे घर को पसंद नहीं किया। जी मैं अपना टोकन वापस चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर, ये लीजिए। राधे राधे। नानी जी की जय हो। अजाब गजाब